वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरी कुछ की हुई रिसेंट की शॉपिंग। कुछ एनुअल और कुछ पेरिनियल प्लांट्स मैं लेकर आया हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है लिसियंथस के प्लांट्स। बड़े ही ब्यूटीफुल होते हैं इनके फ्लावर्स। कुछ अनपॉपुलर है हमारे कंट्री में तो ये, बाकी बाहर इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी धीरे ग्रो करते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और ये देखिए जाइंट सनफ्लावर सूरजमुखी, तो इसको भी मैं लेकर आया हूँ। और ये दोनों ही एनुअल प्लांट्स हैं जिनको मैं ग्रो करने वाला हूँ। और लिसियंथस को तो मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं इसको ग्रो करूँगा और आप लोग के साथ भी आगे इसके अपडेट्स भी शेयर करता रहूँगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये है बड़ी ही ब्यूटीफुल सी कैट्स क्लॉ वाइन, और बहुत ही रैपिड ग्रोथ के लिए जानी जाती है। ट्रम्पेट शेप के येलो फ्रैगनेंट फ्लावर्स होते हैं इसके, भीगी भीगी सी महक होती है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। तो आप अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पर इसको लगा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है और आप थोड़ा उसको कूल डाउन करना चाहते हैं, तो आप इस क्रीपर को वहाँ लगाएं। और देखिए फ्रेंड्स, ये यस्टरडे टुडे टुमारो बड़े ही ब्यूटीफुल सी श्रब है ये, और बड़े ही ब्यूटीफुल और फ्रैगनेंट फ्लावर्स होते हैं इसके। कलर बदलते हैं ये डार्क पर्पल, फिर लाइट पर्पल और फिर वाइट कलर के हो जाते हैं। एक पेरिनियल प्लांट है, एवरग्रीन श्रब है, और इसको भी मैं ग्रो करूँगा और देखूँगा इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। और तो ये सभी प्लांट्स फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ। इसको यस्टरडे टुडे टुमारो को तो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रहा था। तो देखिए कितना बढ़िया इसके ब्यूटीफुल से ग्रीन से लीव्स हैं। देखिए ये है हिबिस्कस गुड़हल, येलो वैरायटी है ये, इसकी रेड और ऑरेंज मेरे पास है। मैं येलो वैरायटी ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गई, तो इसको भी मैं ले आया। और फ्रेंड्स देखिए, मैं बालकनी में हूँ तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखिए मेरे मैंडीविला भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये रेड मैंडीविला। और ये लास्ट ईयर मैंने वाइट मैंडीविला ग्रो किया था, देखिए अब ये बहुत ही हेल्दी हो गया है और काफ़ी बुशी सी ग्रो हो गई है, ये काफ़ी टॉल हो गई है, ये भी फ्लावरिंग कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है चांदनी, चांदनी की कुछ नई वैरायटी। बड़े ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट है, लगभग पूरा साल फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और थोड़ा सा फ्रैगनेंट भी होता है। तो ये भी मैं लेकर आया हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो इसको भी मैं ग्रो करूँगा फ्रेंड्स, अभी तो ये ग्रो बैग्स में ही लगे हुए हैं, और इसको मैं जल्दी ही क्ले पॉट में लगाऊंगा और फिर आप लोग के साथ इसके अपडेट्स वगैरह शेयर करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, कितने कितने ब्यूटीफुल हैं इसके फ्लावर्स। और ये देखिए मैंने इसमें मल्चिंग करके रखा है ताकि ये जो इसकी मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, देखिए इसके लिए मैंने इसको मल्चिंग कर दिया है। और ये सभी प्लांट्स फ्रेंड्स, अगर आप भी इनको लगाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल। ओवर वाटरिंग इनमें से किसी को पसंद नहीं है, वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल सभी को पसंद है, ऐसा सॉइल जिसमें पानी रुके ना। तो ऐसी मिट्टी आप तैयार करें तो आप इन सबको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।